एक कॉमन बीमारी सी स्वामी जी बन गई है डायबिटीज, जिसे देखो वो कहता कि शुगर हो गई है। और पहले तो ये बात होती थी कि बड़े रईस लोगों की बीमारी है, लेकिन अब तो ये भी फर्क मिट गया है कि रईस लोगों को ही सिर्फ होती हो। जो सर्वे एक है 2030 तक, ये कहता है कि आंकड़ा डायबिटीज के मरीजों का वो 1 करोड़ के पास पार हो जाएगा। ये सिर्फ कागज पर है, हालांकि इससे ज्यादा ही होगा। तो स्वामी जी, डायबिटीज को क्योर करने का क्या उपाय, क्या पूरी तरह डायबिटीज खत्म होती है? आज के बाद किसी को भी डायबिटीज नहीं रहेगी। कितना सरल, अभी तो कठिन कठिन देख के कुछ घबरा गए होंगे। चलो भाई, बच्चे कर रहे हैं मंडूकासन हमारे पतंजलि गुरुकुलम। अब तो पतंजलि गुरुकुलम के लिए लाइन लगा करके 8954555999, ये हमने इंडिया टीवी पर भी नंबर इसलिए चला दिया, लोग पतंजलि में एडमिशन के लिए किसी फ्रॉड के शिकार ना हो, इधर उधर भटके नहीं। और ये जो पवन मुक्तासन बेटियां कर रही हैं मेरे साथ ऐसे, और बेटियों आप तो ऐसे थोड़ा ऐसे कर लो, चलित पवन मुक्तासन ऐसे, डांसिंग पवन मुक्तासन ऐसे, ये पवन मुक्तासन ऐसे, और मंडूकासन बैठ करके चलो बेटियों पवन मुक्तासन, ये तो सब कर सकते हैं पवन मुक्तासन। चलो एक जगह स्थिर हो जाओ, पवन मुक्तासन लंबा कर लिया। अब आधी बेटियां उत्तान पादासन कर लो, जो छोटी बेटियां हैं वो तो चलित पवन मुक्तासन, और पूज्या साध्वी देववाणी जी देव गरिमा जी, ये परम योगिनी बेटियां हैं हमारी, ये उत्तान पादासन कर रही है। और मंडूकासन हमारे साथ भाई कर रहे हैं, देखो ये दो अभ्यास जो कर लेंगे, और ये 2 मिनट से लेके 2 अभ्यास पवन मुक्तासन, और जिनसे बन पाए उत्तान पादासन योग मुद्रासन, ये तो एक्स्ट्रा में है सारा। मंडूकासन और पवन मुक्तासन ही कर लिया, जिनसे बन पाया थोड़ा उत्तान पादासन भी कर लिया, एक एक पैर को उठा लेना, दोनों को ना उठा पाए तो। पहले ही दिन से शुगर ठीक, लो मेटफॉर्मिन से ज्यादा इफेक्टिव है मधुनाशिनी, मेटफॉर्मिन से ज्यादा इफेक्टिव है मधुनाशिनी, खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, और वो भी खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ ले लें। पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल, और खीरा करेला टमाटर में यदि हो सके तो आंवला एलोवेरा गिलोय सदाबहार चिरायता कुटकी गुड़मार विजयसार मेथी का पानी और अंकुरित मेथी, बस इतना ही खाएं 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह में इंसुलिन 100-150 आपके सामने मैंने हजारों एग्जांपल्स रखे हुए, लाइव रियल वर्ल्ड एविडेंस और क्लिनिकल एविडेंस रखे हुए हैं कि डायबिटीज के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। शरीर अंदर से जर्जरित हो गया है तो ये लंबा करना है, इसलिए मैंने लंबा करवाया, हमारे सब बच्चों ने भी लंबा किया मंडूकासन योग मुद्रासन। चलो बैठ जाओ बच्चों, अब बेटियां करेंगी पूर्ण मत्स्येन्द्रासन। देखो पूर्ण मत्स्येन्द्रासन, एक पैर पर दूसरा पैर ऐसे रखा, इधर करो बेटिया, यहाँ देववाणी जी, और दूसरा पैर ऐसे रखा। अब इससे आगे देववाणी जी करेंगी, एक पैर ऐसे रखा, दूसरा पैर ऐसे रख करके ऐसे करो पूर्ण मत्स्येन्द्रासन, ये बड़ा जबरदस्त है। अब ये हाथ अंदर उधर से डालो, ये पैर ऐसे, अब ये हाथ इधर से डालो, अब इधर से पकड़ लो, और फिर ऐसे घूम जाओ, ये पूर्ण मत्स्येन्द्रासन हुआ। अब हम भी पहले तो कर लिया करते थे बचपन में, अब बचपन में आ गए हम तो देखो ये बड़ा जबरदस्त है, जिनसे ऐसा ना हो वो ना घबराए वो हमारी तरह से अर्ध मत्स्येन्द्रासन करके ही वक्रासन कोशिश करें, जितना कर पाए, नहीं पता लगा कि फंस गए उसी में, और छुड़वाने के लिए फिर पुलिस को फोन करना पड़े, या फिर फायर ब्रिगेड की टीम आए वो खुलवाए उसमें से, उलझ गए सुलझा रही है खुल खुल दर खुल खुल दरवाजा खुल सिम सिम दरवाजा खुल जा तो सुनो ऐसे, ये मधुनाशिनी मधुग्रीट कमजोरी है तो इम्यूनोग्रीट, और किडनी पर असर आ गया है तो गोखरू का पानी, आंखों पर असर आ गया तो आंवला, एक एक करके चलेंगे स्वामी जी, तो इम्यूनोग्रीट न्यूरोग्रीट डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन सब कोई नहीं, किसी को नहीं रहेंगे, मधुमेह मुक्त बनेगा मेरे भाई भारत। स्वामी जी, जो गुजरता हुआ साल है ये ना बड़ा गुस्से जैसे लोगों का साल रहा, जिसे देखो हाइपरटेंशन का शिकार है, और हाइपरटेंशन बहुत सारी बीमारियों की वजह, तो ये लोग त्योरियों पर बल चढ़ाए हुए आखिर क्यों इतना घूमते रहते हैं, इतना गुस्सा लोगों को क्यों आ रहा है, और बीपी को कंट्रोल करने का क्या योगाभ्यास में क्या क्या अभ्यास किए जा सकते हैं, और क्या बीपी भी पूरी तरह से खत्म होता है? चलो शीर्षासन करो, आप सब आप सर्वांगासन करो यहाँ से। चलो देखो ये शीर्षासन जो बच्चे कर रहे हैं ना,
ये मत करना हाई बीपी वाले, मकरासन भुजंगासन करो जी, मकरासन भुजंगासन और फिर सीधे लेट के मरकटासन करेंगे। देखो ऐसे भुजंगासन और आराम आराम से ऊपर उठे आराम, ये शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना। इसलिए ना करने वाले भी साथ साथ दिखा रहे, बच्चों को जरूर करवाना ये भुजंगासन और मरकटासन, सीधे लेट जाओ साध्वी जी और बैठ करके देखो ये शशकासन ऐसे। आहा, बीपी एकदम नॉर्मल, अब मधुमेह की तरह ही उच्च रक्तचाप से हाई बीपी से मुक्त होगा। लो बीपी से भी, लो बीपी के लिए दूध में हल्दी शिलाजीत केसर ओहो और अश्वगंधा शतावर का चूर्ण खा लो, थोड़ा अश्वगंधा अरिष्ट पी लो। ये शशकासन ऐसे बैठ करके, शशकासन बैठ करके लेट के भुजंगासन और ये मरकटासन पैर पैर के साथ, पैर एक तो ये, फिर दूसरा पैर सीधा करके ऐसे एक पैर को दूसरे हाथ के पास ऐसे, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, फिर ऐसे ही दूसरा पैर इधर आ जाएगा आराम आराम से, घुटना सीधा पंजा तना हुआ ऐसे, पूरी ऐसे पूरे रिदम के साथ ये पैर यहाँ आएगा ऐसे ऐसे, ये मरकटासन और भुजंगासन हो जाए। और कुछ नहीं तो मकरासन ही कर लो, चलो जी मकरासन, चलो बच्चों आप सभी भुजंगासन करो। ऐसे शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना, मकरासन भुजंगासन सर्वासन और बैठ के शशकासन और अंत में शवासन और खाली पेट मुक्तावती। बीपी की दवा जो एलोपैथी में दी जाती है, जैसे शुगर की मैं मेटफोरिन में और इंसुलिन छुड़ाने की बात करता हूँ, बीपी की सारी वो बीटा ब्लॉकर्स, वो बीपी को मैनेज करने वाली दवाइयाँ जो हमारे नस नाड़ियों को रिलैक्स करने में, उनको थोड़ा चौड़ा करने में, और वो भी 4 से 8 घंटा असर होता है कोई भी एलोपैथी की दवाई का बीपी का। बीपी को परमानेंट ठीक करना है, उससे मुक्त होना है, तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट और वो भी लौकी के जूस के साथ। ये लौकी का जूस बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो और फिर बीपी ज़्यादा समय रहे ना तो आँखों पर भी असर आता है, आँखों में खून उतर आता है किसी किसी को। तो आंवला तो आजकल सीजनल है ना, आंवले का रस, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले की सब्जी जैसी बन जाती है, थोड़े गुड़ शक्कर के साथ तो बहुत ही मधुरम के साथ बहुत अच्छी बनती है। फिर बीपी के कारण से किडनी पर असर आता है तो वही गोखरू का इस्तेमाल, और बीपी के कारण से हार्ट पर असर आता है तो उसके लिए फिर जो है चलो ये एक तो गोमुखासन, गोमुखासन तो देववाणी जी कर लेंगी, गोमुखासन ऐसे दोनों तरफ से, फिर ये और हार्ट पर असर आता है ना तो उसके लिए अर्जुन की छाल दालचीनी, और उससे सर्दी भी नहीं लगती और कोलेस्ट्रॉल भी घट जाता है, और जो किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ हो, किसी का TLC WBC RBC प्लेटलेट्स आदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो ब्लड कैंसर हो जाता है। लो अर्जुन की छाल दालचीनी से कोई भी खराब चीज़, अनवांटेड चीज़ बढ़ी हुई कम हो जाती है, हार्ट के ब्लॉकेज कम हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है। ये गोमुखासन और ये स्कंद संचालन जो अभी हमने बताया ये कर ले, और ऐसे स्वामी जी चलो वृश्चिकासन करो जी बच्चों, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, उत्थित हस्त वृश्चिकासन, ये कोई कर लेगा तो उसको तो जिंदगी में कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ अब ये तो पूर्ण भुजंगासन पूर्ण वृश्चिकासन कर लेते हैं बेटिया, करो। हाँ हार्ट के लिए कार्डियोग्रेट हृदयामृत, तो बीपी और हार्ट की बीमारी इनकी रिश्तेदारी है जी उत्सना जी, तो दोनों ही रिश्तेदार भगाएंगे, अच्छे रिश्तेदार बुलाने चाहिए। अरे रामा राम, देखो बच्चे तो कुछ नया कर्तव्य कर दिया इन्होंने, एक ने दूसरे को उठा लिया और उसने उसके ऊपर चढ़ करके नया कार्यक्रम रच दिया भाई। जी मेरी बहन।